दोस्तों, फूलों के पौधे हम सभी को पसंद होते हैं, लेकिन कुछ फूलों के पौधे बहुत ज़्यादा खास होते हैं। जिस तरीके से दोस्तों सर्दी के मौसम में बिना पिटूनिया के आपके गार्डन में रौनक नहीं होती है, अगर आप अपने गार्डन को महकाना चाहते हैं, उसको सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आपको सर्दी के मौसम में पिटूनिया लगाना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से दोस्तों गर्मी के मौसम में आपको पोर्चुला का, जिसको 9 o'clock टेबल रोज, और इसके अलावा दोस्तों और भी कई नामों से इसको जाना जाता है, इसको अगर आप नहीं लगाते हैं अपने गार्डन में तो आपका गार्डन सूना सूना लगता है। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे पोर्चुलाका के पौधे से किस तरीके से ज़्यादा फूल ले सकते हैं, इसको कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए, किस तरीके से इसकी केयर करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें। आपको कुछ जानना है, पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पोर्चुलाका का पौधा है ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, सकुलेंट पौधा है। इसकी पत्तियों में, इसकी टहनियों में मॉइस्चर रहता है, पानी रहता है, इसलिए दोस्तों इसको कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी इसको चाहिए होता है। और दूसरी बात यह है कि इसको जो मिट्टी चाहिए होती है वो बिल्कुल बेल्ट एंड सैंडी सॉइल चाहिए होती है। तो दोस्तों पानी का खास तौर से इस पौधे का ख्याल रखना है, आपको पानी कम देना है। एक बार दोस्तों ये पानी की कमी से नहीं मरेगा, लेकिन पानी अगर आपने ज़्यादा दिया, डेली दिया, और इसकी मिट्टी में काफ़ी समय तक पानी मौजूद रहा, तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। वैसे तो ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, एकदम ख़राब नहीं होता है और बहुत ही आसान तरीके से ग्रो होने वाला पौधा है। इसको आप कटिंग से बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं, 1 इंच से लेकर 10 से 12 इंच तक की भी कटिंग आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसको सीड से ग्रो करना भी बहुत ही आसान होता है। पोर्चुलाका को दोस्तों सीड के द्वारा किस तरीके से ग्रो किया जाता है, इसकी फुल अपडेट के साथ वीडियो आने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पोर्चुलाका के लिए किस तरीके की मिट्टी आपको बनानी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको चाहिए 20% अपने गार्डन की सॉइल, 30% आपको वर्मी कंपोस्ट चाहिए, और आपको 50% चाहिए रिवर सैंड, जिसको नदी की रेत बोलते हैं। तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप इस पौधे की कटिंग को लगा सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें इस पौधे के लिए सनलाइट कितना चाहिए होती है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पौधा सन लविंग प्लांट है, इसको पूरा दिन की धूप चाहिए होती है। आपको इसको ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पर पूरा दिन की धूप आती हो। दोस्तों पोर्चुलाका के पौधे पर कई रंगों के फूल आते हैं, अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि दोस्तों कई कलर के एक साथ फूल खिलते हैं और हैंग किए हुए होते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों कभी भी आप पोर्चुलाका को लगाएं तो हैंगिंग बास्केट में ज़रूर लगाएं। दोस्तों जिस तरीके से दुनिया के हर पौधे पर बीमारियां लगती हैं, उसी तरीके से दोस्तों इस पोर्चुलाका के पौधे पर भी बीमारियों का हमला होता है, इस पर भी बीमारियां लगती हैं। तो दोस्तों बीमारियों को भगाने के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं एडवांस में, नीम ऑयल, हैंड वॉश सॉप, और इसके अलावा दोस्तों काउ यूरिन, इन तीनों को अच्छे से 1 लीटर पानी में मिलाएं, 1 1 ml सभी को, और मिलाने के बाद हर हफ्ते आप इसको उसका छिड़काव करें। उसका अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपके पौधे पर होने वाली बीमारियाँ दूर हो जाएंगे, एडवांस में आपका पौधा हेल्थी रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पोर्चुलाका के लिए कौन सा बेस्ट फर्टिलाइजर है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप केमिकल पसंद करते हैं, केमिकल यूज करना चाहते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर में दोस्तों आप एनपीके का यूज कर सकते हैं, एनपीके का यूज करना सही रहता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप केमिकल पसंद नहीं करते हैं तो ऑर्गेनिक में क्या आपको चाहिए, तो दोस्तों इस मग में है लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो कि मैंने पोर्चुलाका के पौधों के लिए रेडी किया है। इस पौधे को मैं देता आ रहा हूँ, इसीलिए दोस्तों इस पर इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी सारे बर्ड्स भी आए हुए हैं, आने वाले समय में और भी ज़्यादा इस पर हैवी फ्लावरिंग होगी। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पोर्चुलाका के लिए जो लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने रेडी किया है किस तरीके से रेडी किया है। तो दोस्तों हमें चाहिए 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में दोस्तों आपको वर्मी कंपोस्ट डालना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए 50 ग्राम मस्टर्ड केक, जिसको सरसों की खली बोलते हैं। आपको एक रात दोनों को पानी में भिगो के रखना होगा, सुबह सुबह उठते ही आप उसको छानें, और छानने के बाद में आप अपने पौधे में यूज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि सामने आप देख पा रहे हैं, मैं अच्छे से इसको छान लेता हूँ। छानने के बाद में जो बाकी का वर्मी कंपोस्ट या मस्टर्ड केक बचेगा, हम उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद में एक बार फिर से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं किस तरीके से इस मस्टर्ड केक के लिक्विड को और वर्मी कंपोस्ट के लिक्विड को हमें अपने पौधों को देना होगा। दोस्तों इसका इस्तेमाल हमें बहुत ही सावधानी से करना होगा, क्योंकि जो सक्यूलेंट पौधे होते हैं उनको पानी कम चाहिए होता है। जितना हम पानी देते हैं, जितना पौधों को पानी की ज़रूरत होती है, इतना ही हमें ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है देना होगा। तो दोस्तों इस तरीके का लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना के आप अपने पोर्चुलाका के पौधे को दे सकते हैं और उससे ज़्यादा फूल ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको
ये वीडियो की जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी कर दें, और अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।